यादव के साथ हमारे संवाददाता रमेश सिंह की एक खास बातचीत। इस वक्त हम आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव। हम अपने चैनल के विशेष प्रोग्राम केवाईसी के लिए आज जानना चाहते हैं क्या है मुद्दे। जहां तक जो मुद्दे थे 2012 के विधानसभा चुनाव में जब हम आए थे तो उस समय बहुत खराब हालत थे उत्तर प्रदेश के। सड़कें जर्जर थी, किसान खाद के लिए लाइन लगाता था उसमें लाठियां बरसती थी, बिजली कब आएगी कब चली जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं था। हमें खुशी है श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम जब विधानसभा में चुनकर गए तो हमने जितना भी प्रस्ताव उनको दिया श्री अखिलेश यादव ने सारे प्रस्ताव को स्वीकृत किया। आज जिसका नतीजा है कि अतरौलिया में चारों तरफ सड़कों का जाल है और बड़े मानक की सड़कें बनी है। वहीं पर 200 बेड का अस्पताल बन करके तैयार है, जनता की सेवा में समर्पित है। कलोरा के घाट पर पुल बन करके तैयार है, एरोला में अप्रोच मार्ग से लेकर के पुल सब। और दूसरी तरफ हमने शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ राजकीय महाविद्यालय बन करके उसके शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो चुका है, वहीं पर उसके बगल में पराग का डेयरी प्लांट लगाया गया जिससे किसान अपने दूध को वहां पर ले जाकर बेच सके, नौजवान कैसे तकनीकी शिक्षा ले उसको लेकर के हमने अतरौलिया ब्लॉक के अंदर मकराहा के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहली बार किसी गांव के अंदर बनाने का काम किया। जो अब की बार आपको मौका मिलेगा तो और कौन से विकास कार्य जो बाकी हैं शेष आप करेंगे? हम पूरी तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाते हैं जहां हम एक तरफ सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा करेंगे, नौजवानों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेंगे, वहीं पर हमने अपने मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर के हमने जनता के बीच कहा कि हम एक बहुत बड़ा अमूल का डेयरी प्लांट लगवाएंगे जिसमें हमारे कम से कम 25,000 से ज्यादा नौजवान रोजगार भी पाएगा और किसान अपने दूध को बेच करके अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उसको आर्थिक मदद भी होगी। तो हमने ये वादा किया है जनता के बीच। ये थे डॉक्टर संग्राम यादव, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। केवाईसी के लिए आज इतना ही। अतरौलिया विधानसभा से रमेश सिंह, इंडिया वॉइस। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।